बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफर जहां। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन इज पिल्लाई एंड देयर फंक्शंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। तो आज जो हमने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक डिस्कस करना है वो है पिल्लाई एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले आप समझें पिल्लाई क्या है। पिलाई जो है वो बेसिकली सेलुलर कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल का। इसकी डिटेल जो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आपको बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको इसकी काफ़ी सारी डिटेल बताई थी। सो ये जो छोटा सा आपकी बुक में टॉपिक है जो आपकी बुक में है उसकी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे कि पिलाई क्या है। कि हम सेलुलर कंपोजिशन की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो पिलाई है उसका फंक्शन क्या है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिलाई पिलाई को समझने से पहले, इन पॉइंट्स को रीड आउट करने से पहले, सबसे पहले आप इसकी डायग्राम देख लें ताकि आपके माइंड में स्केच बैठ जाए, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। और पिलाई के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि होलो होता है। अब पिलाई, फिब्रिया और फिलैजिला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। फिलैजिला का फंक्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये लोकोमोशन में बैक्टीरिया की हेल्प करता है। अगर हम फिलैजिला के अलावा ये जो दो स्ट्रक्चर हैं पिलाई और फिब्रिया इसकी बात करें तो मैंने आपको कहा था ये दोनों स्ट्रक्चर जो है कि तकरीबन मिलते जुलते हैं। तकरीबन मिलते जुलते इन द सेंस कि इनका जो फंक्शन है वो तकरीबन सेम है, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये बाइंडिंग और अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन रिलेटेड ये दोनों डिफरेंट हैं। पिलाई की बात करें तो जो पिलाई है वो पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फिब्रिया की बात करें तो ये फिलामेंटस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताया। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है पिलाई रिलेटेड, कि पिलाई क्या है, इनके क्या फंक्शन है, इनकी कंपोजिशन क्या है। उसके लिए वापस आते हैं और वहाँ से हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। कहते हैं जो पिलाई है, आपके माइंड में स्केच बन गया होगा कि जो पिलाई है वो होलो होता है। होलो का मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर है जो अंदर से खाली होता है, खोखला स्ट्रक्चर होता है, और ये नॉन हेलिकल है। मतलब ये हेलिकल नहीं, स्ट्रेट एक सीधे सीधे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिलामेंटस अपेयरेंस, ये एक फिलामेंटस अपेंडेजिस की अपेयरेंस शो करता है कि फिलामेंटस धागे नुमा ये अपेंडेजिस होती हैं, छोटी छोटी आप कह सकते हैं आउट ग्रोथ होती हैं जो कि बैक्टीरिया सेल के ऊपर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके जो पिलाए है आर स्मॉलर देन फ्लैजिला, कि जो पिलाए का स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला से छोटा। देख लेंगे फ्लैजिला काफ़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है, कि मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इवन जो सेल का डायमीटर उससे भी ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन जो पिलाए है वो कहते हैं कि जो फ्लैजिला है उससे ज़रा साइज में छोटे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कहते हैं क्योंकि फिलैजिला का आपको फंक्शन पता है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, लेकिन वो कहते हैं कि जो पिलाई है वो मोटिलिटी में या फिर लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इनका डिफरेंस भी जो है वो सामने आ गया कि इनका डिफरेंस है फंक्शन का डिफरेंस। फिलैजिला जो है वो लोकोमोशन करता है लेकिन पिलाई का फंक्शन डिफरेंट है, और ये फंक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पिलाई है वो कहाँ मौजूद होते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है कि किन बैक्टीरिया में पिलाई मौजूद होते हैं। तो एग्जाम्पल है एक, जैसा कि आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कहते हैं कि पिलाई के जो स्ट्रक्चर है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें या केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो पिलाई है वो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं स्पेशल प्रोटीन से ये कंपोज हुआ हुआ स्ट्रक्चर होता है। अब वो स्पेशल प्रोटीन कौन सी है, वो पिलिन प्रोटीन है। सो हम कह सकते हैं जो पिलाई का स्ट्रक्चर है वो पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मैं दोबारा से आपको एक मिनट का ओवरव्यू भी दे देती हूँ इस स्लाइड का, वो ये कि हमने पिलाई की बात की, हमने कहा कि जो पिलाई है वो होलो है, नॉन हेलिकल है, फिलामेंटस अपेंडेजी से रखता है, मतलब फिलामेंटस धागे नुमा का एक स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से होलो होता है, स्फेरिकल जो है वो हेलिकल नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि ये अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये फ्लैजिला से छोटा होता है, और फ्लैजिला का काम तो लोकोमोशन, इसके ये काम लोकोमोशन नहीं है, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते। इनका जो फंक्शन है वो आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे। फिर हमने इसकी बात की कि किन बैक्टीरिया में मौजूद होता है, तो हमने कहा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ये देखे गए, उनमें यह मौजूद होते हैं। अक्रंस की बात भी कर ली। उसके बाद हमने इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात की कि स्पेशल प्रोटीन पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं, वहाँ हमने फिर पिलाई का फंक्शन डिस्कस करना है। देखिए पिलाई का फंक्शन मैंने आपको पहले भी जब ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था बैक्टीरिया का, तब मैंने आपको बताया था कि जो पिलाई है वो बेसिकली बाइंडिंग के तौर पे एक्ट करता है। बाइंडिंग के तौर पे ये अटैचमेंट कैसे एक्ट करता है, कि जब आप सपोज करें कि एक ये बैक्टीरिया है जिसके आपको पिलाए नजर आते हैं, या एक और बैक्टीरिया हो जिसके ऐसे ही पिलाए हों, तो वो दोनों पिलाए आपस में अटैचमेंट शो करेंगे और वो डिजॉल्व हो जाएंगे दोनों आपस में। अटैचमेंट शो करने के बाद वहाँ मेटिंग का प्रोसेस होगा जिसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। उस मेटिंग के प्रोसेस
इसके बाद होगा ये कि ये दोनों पिलाए जो बैक्टीरिया के दोनों पिलाए मिलके, दोनों ऑपोजिट बैक्टीरिया के जो पिलाए मिलके एक स्ट्रक्चर देंगे, जिनको हमने कहा कि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। उस कॉन्जुगेशन ट्यूब में कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से होगा ये कि जेनेटिक मटेरियल जो है या बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो यही पिलाए का फंक्शन है कि इन्होंने बाइंडिंग के बाद कॉन्जुगेशन का प्रोसेस करना होता है, जिसमें होता यह है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया। रीड आउट भी कर लेते हैं, कहते हैं कि दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस। ये इनका जो फंक्शन है ये मेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये फंक्शन जो मेटिंग प्रोसेस कहा गया उसको हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम पिलाए फंक्शन एज अ मीन ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सर्फेसिस। इसके साथ साथ हमने कहा जी कॉन्जुगेशन प्रोसेस तो हुआ, मेटिंग प्रोसेस तो हुआ जी, उन्होंने डीएनए एक्सचेंज किए और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुए, कॉन्जुगेशन हुई। उसके साथ साथ कहते हैं कि इनका सेकंड फंक्शन ये था, मैंने आपको पहले भी बताया कि अटैचमेंट शो करते हैं। अगर तो एक बैक्टीरिया ने किसी सरफेस पे बैठना हो या किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बैठना हो तो उस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के लिए, अटैचमेंट के लिए भी ये पिलाए जो है वो हेल्प आउट करते हैं। आई होप आपको पिलाए का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इनका फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक भी यही था, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक था और जिसमें हमने पिलाए और उसका जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वो वन बाय वन हम बैक्टीरिया की तमाम जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।